हेलो वेलकम बैक टू जनाब जागो लाहौर। हम आ चुके हैं और डिस्कशन जारी थी और हम यही बात कर रहे थे कि जनाब किस तरह से जो ट्रैफिक के कवानीन है इन पर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटी और रेस्क्यू और सिटी ट्रैफिक जो पुलिस है इनकी कलेबोरेशन से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी जागल साहब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे साइड मिरर्स वाले मामलात हैं। अभी इन्होंने भी एक पॉइंट उठाया कि जिस तरह से हम साइड मिरर्स जब एक बाइक खरीदते हैं उसके साथ अवेलेबल होते हैं, चूँकि अब आप भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसकी क्या रीज़न है? मैं जी ऑन रिकॉर्ड ये बात करना चाह रहा हूँ ताकि कल को जब दोबारा हमने इसको 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंटेशन हाँ। करनी है तो आपने प्रोग्राम में बुला के मुझे यही कहना है कि क्या ये ज़रूरी नहीं था, आप पहले लोगों को मोटिवेट करते, लोगों को एजुकेट हाँ, करते हाँ। तो बेसिकली हम इसलिए पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएँ कि जी हम लोगों को अवेयर करने के लिए हम कुछ फ्री जो है ना वो भी जो है ना बैक व्यू मिरर भी तकसीम कर रहे हैं, उनको एजुकेट करने के लिए पम्फलेट्स भी तकसीम कर रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं हम लोग। ये बेसिकली जब भी मोटरसाइकिल नया परचेज करते हैं तो उसके साथ आते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि असी समझने कि जान हमारी जो है वो इतनी कीमती नहीं है, 500 रुपया ज्यादा कीमती। हम सबसे पहले आते हैं, शीशे उतार के रख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी टैंकी और उसके साइडों वाले जो टापे बोलते हैं उसको वो उतार के रख लेते हैं। बल्कि हमारी कोशिश होती है हम इसके साइलेंसर भी उतार के चेंज करके पुराना कल को बेचेंगे तो फिर लगाएंगे। यानी रोड के ऊपर हमने जान दे देनी है, मोटरसाइकिल फिट हालत में रोड के ऊपर लेके देंगे। तो मैं ये रिकॉर्ड के लिए ये बात कह रहा हूँ कि ताकि ये सबको पता चल जाए कि हमने अवेयरनेस के लिए वी हैव डन अ लॉट, विल कीप डूइंग। लेकिन 1 दिसंबर से हम इसमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगा, जिस तरह हेलमेट क्या हुआ है और इसी तरह हम इसमें भी इंशाल्लाह जीरो टॉलरेंस हम शो करेंगे 1 दिसंबर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह। इसी तरह जो एक अभी बात हो रही थी सेफ सिटी के हवाले से, ई चलाने के हवाले से, ई चलाने के सम्राट तो आना शुरू हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी रोड के ऊपर वार्डन के साथ लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि वो जो बंदा वहां खड़ा होकर कहता था तू मैं जानता नहीं, वो सारी कहानी खत्म हो गई है। तीसरी बात, वो फोन पकड़ के कहता था, उसका सबसे बड़ा वो इस बात पे ऑफेंडेड फील करता था कि मैंने वार्डन को कहा कि ये लो टेलीफोन पे बात कर लो, इसने मेरी बड़ी इंसल्ट की, इसने टेलीफोन पे बात नहीं की फलां से, वो भी खत्म हो गया। चौथी बात यह है कि लड़ाई झगड़ा इस मामले में खत्म हो गया कि चलान ठीक हुआ कि गलत हुआ। पांचवी बात, चलान होकर जब 3 दिन बाद घर पहुंचता है तो वो बंदे को सबसे ज्यादा डर ये होता है कि अल्लाह करे साथ वाले की तस्वीर ना आए, तो वो रजिस्टर नहीं करता, वो चुप करके पे कर देता है। साथ वाले की तस्वीर। छठी बात ये है कि जो डेटे में इश्यूज थे वो एक्साइज के साथ मिलके वो आहिस्ता आहिस्ता आयरन आउट होने शुरू हो गए इश्यूज, तो अभी वो डेटा भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। सातवां ये कि जहां एड्रेस का इशू था कि लोगों ने गलत एड्रेस लिखवाए हुए थे, तो जब उस एड्रेस पे जाता है तो उसको फिर टेंशन शुरू हो जाती है। उसके बाद आठवीं बात ये है कि जिन लोगों ने गाड़ियां बेच के, हम ये समझते हैं कि जब तक ये खुदकुश हमले में इस्तेमाल नहीं होगी हमने जिम्मेदारी का एहसास नहीं करना, अभी लोग एटलीस्ट गाड़ियां बेचेंगे तो साथ जिसको ट्रांसफर हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड भी रखेंगे कि जनाब मैंने गाड़ी बेची है, मैंने इंश्योर किया कि इसके नाम ट्रांसफर हो जाए ताकि चालान उसको जाए। और नौवीं पॉइंट ये है कि जब ये चालान नहीं पे करेंगे तो ये गाड़ियां इंपाउंड होना शुरू हो जाएंगी, हम गाड़ियां बंद करना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद अगला जो सबसे बड़ा मुझे फायदा है कि इंशाल्लाह जब इसका स्पैन सारे लाहौर के ऊपर हो जाएगा और सारे कैमरास के ऊपर, अभी तो हम इसको एक पायलट रन कर रहे हैं ना, जब पूरे के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो मेरे वार्डन्स विल बी कंपैरेटिवली फ्री, इन्फोर्समेंट ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और उससे ये हो जाएगा कि अभी जो हमारे लोग मोटरसाइकिल या गाड़ियां जो लेके भगा के चले जाते हैं 10-10 दफा चालान करवा के, वो गाड़ी जब पकड़ी जाएगी वार्डन यही काम करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम शायद अभी नहीं कर रहे कि रात को 3 बजे भी अगर एक गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी है तो राइट लेड है तो अकेला बंदा उस रेड लाइट के ऊपर खड़ा वेट कर रहा है कि वो ग्रीन होगी तो मैंने मूव करना है। दिस इज द सक्सेस व्हिच द सिस्टम हैज गिवन, और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लवली अच्छा सर, अब चूंकि हम बात कर रहे थे सेफ सिटी कैमराज की, तो डेफिनेटली अब ट्रैफिक के अलावा दूसरे पर्पजेज के लिए भी इनकी बहुत ऑथेंटिसिटी मैटर करती है, उस पर किस हद तक वर्किंग हो रही है इसका? जी जो हमने जब इसको प्रोजेक्ट को किया था तो हमने लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ काफ़ी काम किया इसमें। उन्होंने कहा जी एक तो ये इसका जो ANPR कैमराज कहते हैं जी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, बिल्कुल सो एक तो ट्रैफिक में सहूलत देते हैं लेकिन इससे ज़्यादा वो डिटेक्शन में सहूलत देते हैं। सो अभी तक इस साल हमने जी जो वैसे एविडेंस हम दे रहे थे वो तकरीबन हमने 1500 से ज़्यादा एविडेंसेस दिए, मतलब 1500 केसेस में अब वीडियो एविडेंस चला जाएगा जो अगले साल यूज़ करेंगे कोर्ट्स, कोर्ट्स का टाइम भी कम होगा, जो आपके क्रिमिनल्स हैं उनकी सज़ाएँ भी बेहतर हो जाएंगी। अब ये 1 महीने से हमने शुरू किया इसको ANPR को, तो इसकी एडेड एडवांटेजेस अब आनी शुरू हो जाएंगी।
سو یہ ملٹی پلائر افیکٹ میں. اور سب سے جو خوش آئند بات ہے کہ ہمارا جو کریٹیکل ہے نا جی پولیس کا جو حصہ وہ ہوتا ہے اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر تک. بالکل نیچے والے تو واچ اینڈ وارڈ ہے, اوپر والے افسر ہیں. یہ بیچ میں یہ جو تفتیشی ہیں یا جو ہمارے گراؤنڈ کمانڈرز ہیں نا وہ یہ لوگ ہیں, ان کا فیتھ اب اس سسٹم پہ بننا شروع ہو گیا. سو جیسے ہی واردات ہوتی ہے وہ اب ہمارے پاس ڈیلی کوئی 25-30 تفتیشی افسران آتے ہیں اپنے کیسز کے لیے, اور ہم تقریباً 20-25% میں ان کو ایویڈنس دے رہے ہیں, وچ از اے ویری گڈ نمبر. سو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ نمبر پلیٹ کو بھی ری ڈیزائن کر دیا ہوا ہے ہم نے. یہ جو لاہور, یہ جو پنجاب کی نمبر پلیٹ ہے, اس میں کچھ باتیں تھیں کیمراز کے حساب سے ڈیزائن نہیں تھی. سو ہم نے کو جو ٹاپ کی جو 20 ممالک ہیں ان کو ساروں کو دیکھ کے ہم نے ایک نمبر پلیٹ ڈیزائن کی جو کہ 3 الفابیٹ اور 3 ڈیجٹس پہ ہوگی, اور وہ اپروڈ ہے. اب ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ایکسائز والے وہ ایشو کرنا شروع کریں, اور وہ آل پنجاب ہوگی. لاہور کو ایک یہ بھی پرابلم تھا کہ لاہور میں 70% رجسٹریشن ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں وہی جیسے وہ ساری چیزیں اتار لیتے ہیں بیچنے کے لیے, اس طرح لاہور میں رجسٹر کراتے ہیں بیچنے کے لیے. بالکل, کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ تھی. تو وہ اب وہ بھی ڈسٹنکشن ختم ہو جائے گی. سو لوگ اپنے اپنے ضلعوں میں کرائیں گے, لوڈ بھی کم ہوگا. اچھا, ابھی ایکسائز کی بات کی, جس سے ابھی علاقہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ڈاٹا میں بہت پرابلم آتی ہے ای چلان سسٹم میں بھی, اس میں کس حد تک ورکنگ آپ لوگ کر رہے ہیں ایکسائز کے ساتھ؟ ڈیٹا جی ہمارے اندازے سے بہتر نکلا, ڈیٹا کوئی 65-70% ٹھیک ہے جی. اچھا, باقی اتنی تو اب یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیٹا بیس کسی دوسرے ڈیٹا بیس سے چیک ہوئی ہے. سو اتنی کبھات آنی چاہیے تھی, نہ آتی تو مطلب وہ پھر پرفیکشن اتنی ہو نہیں سکتی. اب بیسیکلی ہم ان کو ابھی تک میرے خیال ہم کوئی 15,000 ایسے ان کو چلان بھیج چکے جن کا ہمارے پاس ایڈریس نہیں ہے. سو وہ اس پہ کام کریں گے. ساتھ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ہیلپ لائن بھی کریٹ کر دیں تاکہ لوگ اگر فون کریں یا ای میل کر کے کس طرح رابطہ کرنا چاہیں تو وہ ہو جائے. آئی تھنک 6-8 مہینے کم از کم ان کو لگیں گے ان چیزوں کو سیدھا کرنے میں, اور اس میں بڑی کلیبریٹو سی چیز چل رہی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ اتنے سارے محکمے ایک سٹیج پہ آ کے کر رہے ہیں, اور اس میں مطلب بہت زیادہ کریڈٹ جسٹس علی اکبر کو جاتا ہے جی. زبردست زبردست. اس میں ایک میں سکتی جو بات ابھی کی ملک صاحب نے, میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اس سسٹم سے ہمیں ایشوز بہت زیادہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہمارے سسٹم میں یہ لوپ ہولز تھے, یہ چیزیں تھیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, یہ ڈارک اسپاٹس تھے جن کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, جس میں ایک ڈیٹا والا ہے. ابھی اس میں ابھی پاکستان میں دیکھیں ڈیٹا سینٹرلی انٹیگریٹڈ کہیں بھی نہیں. مثلاً اگر کوئی لسبیلا کی رجسٹرڈ گاڑی ہے تو اس کو اگر لاہور میں پکڑیں گے تو کیا کریں گے یا اس کا چالان کہاں جائے گا؟ تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ چیزیں جب یہ لوز اینڈ سارے ٹائی ہونا شروع ہو جائیں گے, تو مے بی اے ٹائم کام کہ جب یہ سارا ڈیٹا بیس سارا ایک سینٹرل ہو جائے اور وہ سارا اسی طرح ہی ویریفائڈ ہو, تو یہ چیزیں ساری کی ساری قانون کے اس ایمبٹ میں آنا شروع ہو جائیں گی, جس سے اوور آل آپ کو ایک بہت بڑی بہتری لگے گی. اور ایک اور جو پوائنٹ شاید جو ملک صاحب مس کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ سیف سٹی جو دوسرا فائدہ کر رہی ہے نا کرائم فائٹنگ میں, وہ یہ کر رہی ہے کہ نمبر آف کیسز ادھر ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور گاڑی چوری ہوئی ہے تو ادھر کیمرے نے ڈیٹیکٹ کر لیا اور گاڑی پکڑی گئی. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. بالکل, یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. ایون ہم نے مال روڈ والے جو کیس ہوا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیف سٹی کے کیمراز کی بدولت ہی اس کی پورا وہ معاملہ جو جی ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کہ جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. زبردست. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی, عامر, السلام علیکم. وعلیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ ان سے؟ سی ٹی او صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی ضرور. میں اپنی سجیشن بتانی ہے ان کو. بالکل جی. اس طرح کے ہیلمٹ کی مہم آپ اچھی چلا رہے ہیں. میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں, عامر جمیل. جی جی. یہ ایک آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے ایک ڈاٹا اسٹیٹکس لے لیں کہ 100 میں سے 90 موٹر سائیکلوں کے لکنگ مرر نہیں ہوتے. جب آپ کو وہ سینٹر میں چل رہے ہوتے ہیں روڈ کے موٹر سائیکل موسٹلی. بالکل. اور پیچھے کوئی گاڑی کوئی ٹرک کوئی چیز دیکھیں, ٹریکٹر کی آواز آئے گی, ٹرک کی آئے گی. بعض گاڑیاں ایسی خاموش ہیں جن کی آواز ہی نہیں ہے, مطلب ہائبرڈ گاڑیاں. تو وہ سر پہ بالکل چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو آگے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لکنگ مرر جب تک نہیں ہوگا پیچھے اس کو پتہ ہی نہیں میرے پیچھے کیا چیز آ رہی ہے, میں نے لیفٹ موڑنا ہے رائٹ. کم از کم ایک لکنگ مرر ہو, ایک دو نہیں میں کہہ رہا, ایک تو ہونا. اب یہ فیشن ہو گیا ہے کہ لکنگ مرر ہر وہی انہوں نے جیسے فرمایا کہ جی ہر چیز اتار دیتے ہیں جب موٹر سائیکل. بالکل بالکل.
तो ये हेलमेट से ज्यादा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे भी ज्यादा आप कह रहे हैं फोकस किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आमिर, बहुत शुक्रिया आपका कॉल किया और आपकी सजेशन की। जी आमिर साहब, अगर आपने पूरा ये प्रोग्राम हमारा सेगमेंट देखा होता तो आपने इस पे ये मेरा ख्याल है सुना होगा कि हम ऑलरेडी एक दफा उसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर चुके हैं। पहले हमने 1 नवंबर रखी हुई थी, अभी हमने 1 दिसंबर तक की है, और उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से की है। हम लुकिंग मिरर के ऊपर, ये बैक व्यू मिरर के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 5,000 हम वैसे अवेयरनेस के लिए हम लगा रहे हैं, हम इसको लगवा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट आपने बताया कि वो सेंटर लेन में चल रहा होता है, तो इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर एक्शन लेने की, लेकिन आप थोड़ा सा अगर हम रोड ज्योमेट्री को देखें ना, तो अगर एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक हार्डली कोई जगह ऐसी है जहां 1 किलोमीटर का फासला हो, अदरवाइज कई जगहों पे इससे भी कम है। तो जो बंदा एक्सट्रीम लो लेन में है, अगर उसने अगले सिग्नल से राइट टर्न करना है तो वो शुरू से ही डायगनली चलेगा, तो वो आखिर तक जाके जो हाई लेन है उसमें पहुंचेगा। तो इस वजह से जो ऑप्टिक्स हैं रोड की वो बहुत ज्यादा खराब होती हैं, लेकिन इसको हम ग्रेजुअली मजीद जितना पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल, उसको हम इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए साहब हम एक एक मैसेज लेते हैं अपने तीनों मेहमानों से, छोटा जो वो पब्लिक को देना चाहे सर आपसे हम शुरू करेंगे। थैंक यू। अब मैसेज ये है जी कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जी, हम भी सीख रहे हैं, पब्लिक भी सीख रही है, और गलतियां हम सारे कर रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि इस वक्त इस स्टेज पे तमाम महकमे बड़े ओपन हैं टू न्यू आइडियाज़, और जहाँ जहाँ हमें स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, ये सारी पब्लिक की मदद से ही हुआ है कि 80% हेड इंजरीज कम हो गई शहर में। सो बेसिकली हम सब ने ही हाथ बटाया लोगों की जाने बचाने में। सो आगे भी हमने इस तरह ही चलना है, और हम इसको जितना हम इसको मज़ीद बेहतर करते जाएँगे, इससे आपके ट्रैवलिंग टाइम भी बचेंगे, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट भी बेहतर लगी, और इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी, लोगों को एक स्टैंडर्डाइज सिटी लगेगा। सो बेसिकली हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल है ये जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं चलेगी, वी विल नॉट गेट देयर। जी इसमें पब्लिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा सेफ्टी हेलमेट पहने, स्ट्रिप करें, उसे वाइजर आगे उसका यूज़ करें, साथ साइड मिरर यूज़ करें, एक्सट्रीम लेफ्ट लेन में चलें ताकि जो है लाइन में चलें ताकि जो है हादसा से बच सकें। और दूसरा ये है कि एक सेंसिबल सिटीज़न होने का सबूत दें, अपनी ज़रा सी कोताही या गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी जो है वो रिस्क में ना डालें। और तीसरी चीज़ ये है कि तमाम महकमे आपके साथ हैं, हम आपके फ्रेंड्स हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हैं, ना कि आपको पकड़ने के लिए, ना ही आपको कुछ जुर्माने करने के लिए, ना ही आपको जो है तंग करने के लिए, बल्कि ये एक माशरे को महजब करने के लिए हम सब मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे हैं। तो हमारा इस पूरी मुहिम में आप लोग साथ दें और एक सेंसिबल सिटीजन होने का सबूत दें। जी ये जो हेलमेट की कैंपेन है, या जो सीट बेल्ट बांधने की कैंपेन है, या जो रेड लाइट जो है जंप करने की कैंपेन है, या स्टॉप लेन की कैंपेन है, ज़ेबरा क्रॉसिंग को फ्री छोड़ने की कैंपेन है, ये आपकी जान बचाने के लिए है। तो ब्राय मेहरबानी जब ट्रैफिक वार्डन आपकी जान बचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए वहाँ खड़ा है, एक तो उसके साथ तावन करें। दूसरा ये कि अभी हमने ये जो हमने हेलमेट के चालान किए हैं, कुछ लोगों को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें से ना किसी वार्डन को परसेंटेज मिलती है, ना किसी और को मिलती है, स्ट्रेट वे गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जानी चाहिए। वी विल बी द हैप्पीएस्ट पीपल अराउंड कि जिस दिन हमें कोई भी चालान ना करना पड़े और लॉ इन्फोर्समेंट हमारी इतनी परफेक्ट हो और पब्लिक इतना ज़्यादा तावन करे और इसको मानना शुरू करे। और इसके अलावा अभी 1 नवंबर से हम बैकव्यू मिरर के ऊपर काम करेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे, और 1 जनवरी ऑनवर्ड, मैंने जो है ना इसमें 90 दिन का टाइम दिया था, 1 जनवरी ऑनवर्ड बगैर लाइसेंस के हम कोई गाड़ी कोई व्हीकल हम रोड के ऊपर नहीं आने देंगे। मेरी आप सब से तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है, लाहौर 7.8 मिलियन गाड़ियों का शहर है जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, ब्राय मेहरबानी जब तक आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे, हम आपके शहर को रेगुलेट भी नहीं कर सकेंगे, हम इसको खूबसूरत भी नहीं बना सकेंगे, और हम आपकी मदद भी नहीं कर सकेंगे। तो ब्राय मेहरबानी अपनी जान बचाने के लिए हमारी मदद कीजिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप लोगों ने एक ब्रीफ बल्कि डिटेल मैसेज जो है लोगों को दिया। और मेरे ख्याल से आज जितने भी कंसेप्ट होंगे या जितने भी मिसकंसेप्शंस होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे, और हमने पूरी कोशिश की कि पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।